हे गाइस, वेलकम टू प्राइम एक्सप्लेन। तो मिस मार्वल का एपिसोड 4 आ गया है एंड इसमें हमें दिखाया गया है कमाला खान इन पाकिस्तान, फरहान अख्तर का कैमियो, न्यू एंट्री हीरो की एंट्री। तो ये सब के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं वीडियो में। ये एपिसोड स्टार्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कमाला खान एंड उसकी फैमिली पाकिस्तान जा रही होती है एंड वहाँ एयरपोर्ट पे उसे रिसीव करने उसके कजन एंड नानी आई हुई होती है। और जब कमाला खान अपने नानी के घर पे पहुँचती है तो वहाँ पे वो बहुत सारी ड्रॉइंग्स देखती है एंड उसमें से एक ड्राइंग उसकी पर नानी आयशा का भी होता है। वो अपनी नानी से पूछती है कि क्या वो एक जिन है एंड उसकी नानी आराम से बोलती है हाँ हो। इसका मतलब उसकी नानी को इसके बारे में सब कुछ पता है। आगे के सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि कमाला खान सोई रहती है एंड सपना देखती रहती है कि कैसे नजमा एंड टीम ने उसके भाई के शादी पे अटैक किया था। फिर कमाला खान पाकिस्तान घूमने निकलती है अपने कजन्स के साथ, बट वहाँ पे वो उन्हें छोड़कर रेलवे स्टेशन जाती है क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उसे रेलवे का ही सपना आया था। फिर वहाँ पे एंट्री होती है करीम की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसके बारे में तुम्हें कुछ डिटेल्स में बता देता हूँ। ये कॉमिक में भी एंटी हीरो रहता है जो कि रेड डैगर गैंग से बिलोंग करता है एंड इसके पास कोई खास सुपर पावर्स नहीं होते, बट इसके पास फाइटिंग स्किल्स अच्छा रहता है एंड कॉमिक में ये कमाला खान का लव इंटरेस्ट भी रहता है। एंड ये करीम कमाला खान पे अटैक करता है एंड दोनों के बीच में हमें छोटी सी फाइट सिक्वेंस दिखाई जाती है एंड वो बताता है कि उसका नाम करीम है एंड वो रेड डैगर गैंग का मेंबर है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि नजमा एंड उसकी पूरी टीम DODC के प्रिजन से बाहर निकल जाती है एंड वो भी पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। करीम मिस मार्वल को अपने हाइड आउट पे लेके जाता है एंड वहाँ पे एंट्री होती है हमारे फरहान अख्तर की एज अ वालिद। वालिद एंड कमाला खान के बीच में छोटी सी बातचीत होती है एंड वो जिन के बारे में डिस्कस करते हैं एंड वालिद कमाला खान को थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी देता है एंड हमें वहाँ दिखाया जाता है कि उसी टाइम पे नजमा पूरे गैंग के साथ वहाँ पे आ जाती है अटैक करने कमाला खान पे। वालिद करीम को बोलता है कि वो कमाला को किसी सेफ जगह पे लेके जाए एंड वो तब तक नजमा एंड उसकी पूरी गैंग को रोकेगा। फिर उसके बाद नजमा एंड उसकी पूरी गैंग कमाला खान के पीछे पड़ती है, बट कैसे भी कमाला खान एंड करीम वहाँ से भाग के निकल जाते हैं। बट नजमा एंड उसको गैंग को रोकने के लिए वहाँ पे वालिद आता है एंड उनसे थोड़ी बहुत फाइट करता है एंड कमाला खान को बचाने के लिए वहाँ पे वो अपनी जान दे देता है। मुझे पर्सनली ये पसंद नहीं आई कि फरहान अख्तर जैसे एक्टर को इतनी छोटी सी रोल के लिए मार्वल ने कास्ट किया था। कमाला खान करीम को बोलती है कि उन्हें वालिद को बचाना चाहिए था एंड वो लोग दुखी भी होते हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है वहीं पे। तो बस ये वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन भी दबा दे। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे थे प्राइम एक्सप्लेन। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।